हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पश्चिमी ओडिशा का बरगढ़ एक प्राचीन जिला है जो मौजूदा समय में ओडिशा का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है। 11वीं शताब्दी से संबंधित शिलालेख बताते हैं कि यहाँ कभी कोई प्राचीन किला था, उस वक्त इसे बाघरकोट कहा जाता था। ये स्थान कई ऐतिहासिक खजानों से भरा है जिसमें बौद्ध मठ से लेकर प्राचीन गुफाएं शामिल हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बरगढ़ के इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य की कुछ जानकारियों के बारे में जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मौजूदा समय में बरगढ़ ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 315 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ये एक प्रशासनिक जिला है जिसका मुख्यालय बरगढ़ शहर है। इस जिले को 1 अप्रैल 1993 को संबलपुर के तत्कालीन जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था। जिले की भौगोलिक स्थिति को समझें तो ये कुल 5837 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 18,78,833 है। बरगढ़ का जनसंख्या घनत्व 311 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं यहां के 75.16% लोग साक्षर हैं, जबकि लिंग अनुपात यानी 1000 पुरुषों पर 977 महिलाओं की संख्या है। यहां ज्यादातर उड़िया, संबलपुरी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बरगढ़ जिले की 10% आबादी शहरों में रहती है और बाकी 90% आबादी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करती है। इस जिले में कुल 12 ब्लॉक, 15 तहसील, 3 NAC, 1 नगर पालिका, 2 अनुमंडल, 16 पुलिस स्टेशन, 5 विधानसभा, 253 ग्राम पंचायत और 1208 राजस्व ग्राम शामिल हैं। बात अगर बरगढ़ जिले की अर्थव्यवस्था की करें तो ये काफी हद तक कृषि उत्पादों पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देने के लिए शहर में एक चीनी मिल, एक धागा मिल के साथ एक सीमेंट कारखाना भी है। यहाँ की महानदी से निकलने वाली नहरों से जिले का एक बड़ा हिस्सा अच्छी तरह से सिंचित है, जिसके कारण बरगढ़ की धरती में लगभग 6 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष धान का उत्पादन होता है, जो उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। इस वजह से इस जिले को पूरे भारत में चावल का कटोरा और उड़ीसा में भाटा हांडी के नाम से जाना जाता है। खेती के अलावा ये जिला एक बिजनेस हब के रूप में भी उभर रहा है। जिले की अर्थव्यवस्था को आकार देने में कपड़ा कुटीर उद्योगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ की इकत, संबलपुर साड़ियाँ और अन्य कपड़ा व्यापार जिले की पहचान है। हथकरघा बुनाई उत्कृष्ट व्यापक रूप से जिले में फैला हुआ एक बड़ा लघु उद्योग है जो जिले की सबसे बड़ी संख्या को रोजगार प्रदान करता है। बरगढ़ जिला पुराने समय में दक्षिण कौशल का हिस्सा था, जो स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए ये एक बरगद के पेड़ की तरह शानदार ढंग से विकसित हुआ है, जिसमें सैकड़ों शाखाएं वर्षों से नीचे आ रही हैं और समय की निरंतरता के साथ ये अपने चरम पर पहुंच गया है। वैसे ये जिला इतिहास की कई महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं के जागरण का स्थान भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे अनेक लोगों ने इस स्थान से अपनी यादगार यात्राएं की हैं। बरगढ़ को पौराणिक वीर सुरेंद्र राय के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने देवरीगढ़ से अंग्रेजों के खिलाफ अपने युद्ध का नेतृत्व किया था, जो बड़ा पहाड़ रेंज की एक चोटी है। इसके साथ ही यहाँ का सबसे प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव धनु यात्रा है, जो 11 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एक ओपन थिएटर है, जो बरगढ़ नगर पालिका के चारों ओर 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसका उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इसके अलावा यहां बसंत महोत्सव, नुआ खाई, माँ श्यामा काली पूजा, नरसिंहनाथ यात्रा, भटली की रथ यात्रा, कुचिपाली की जुकर यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है। इन उत्सवों में यहाँ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। बरगढ़ जिले में कई ऐतिहासिक स्थान और स्मारक हैं, जो इस जिले की ऐतिहासिक घटना को बयां करते हैं। यहाँ अर्जुन नंदा की देवी पाथरसिनी,
गनिया पाली का बौद्ध विहार, देकुलबा का गिरी गोवर्धन, संक्रीणा की बिंध्यवासिनी, पपंगा का पर्वत और बुद्धराज मंदिर, भटली का श्याम मंदिर, रामायण कालीन स्थल गंधमर्दन यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक खास दर्शनीय स्थल है। अगर आप इन धार्मिक स्थलों के अलावा यहां के प्राकृतिक स्थलों की सैर का आनंद भी लेना चाहते हैं, तो देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपकी रोमांचक यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए एक खास स्थान है, जहां आप विभिन्न वनस्पतियों के साथ ही जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। अगर आप इस जगह को और करीब से जानना चाहते हैं और यहां की सैर करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप यहां सड़क, हवाई और रेल तीनों मार्गों से आ सकते हैं। बरगढ़ रोड रेलवे स्टेशन यहां से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है, जो इस जिले को अन्य प्रमुख जिलों और शहरों से जोड़ता है। इसके अलावा यहां का सबसे निकटतम हवाई अड्डा झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा है, जो यहां से करीब 104 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप यहां सड़क मार्ग के जरिए NH-26 और NH-53 के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। यहां का लोकल वाहन पंजीकरण कोड OD-17 है, जो आपको यहां के ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर दिख जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।